हेलो असलम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है, आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करना चाहते तो वो पेंडिंग लिखा आता है, डाउनलोड नहीं हो रहा, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आज का ये टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ये करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अब सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नेटवर्क प्रीफ्रेंसेज, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऑटो अपडेट, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका या तो सेलेक्ट होगा डोंट ऑटो अपडेट या होगा ओवर वाईफाई ओनली, और आप जो है वाई इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं मोबाइल डाटा पे, तो इस वजह से ये आपको पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। इसके लिए आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे ओवर एनी नेटवर्क। ओवर एनी नेटवर्क पे जब आप क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो इसके बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, आपने चेक करना है कि आपके फोन का ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं, नहीं तो आपने नेक्स्ट ऑप्शन ये करना है, आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, ऐप्स ढूंढ लेना है, ऐप्स में होगा प्ले स्टोर, ठीक है, उसको आपने देख लेना है प्ले स्टोर, ठीक है। प्ले स्टोर आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इसका स्टोरेज का, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से क्लियर डाटा और क्लियर कैच पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये करना है आपने अपने फ़ोन को क्लियर डाटा और क्लियर कैच ये प्ले स्टोर का करके बैक होना है। बैक होने के बाद आपने अपने फ़ोन को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपने वापस से रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करेंगे उसके बाद आपने क्लिक दोबारा ऐप में जाना है। जब आप ऐप पर जाएंगे आप डाउनलोड आपका डाउनलोड कोई भी ऐप डाउनलोड करने पे क्लिक करेंगे तो आपका वो ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो पेंडिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आखिर पे मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।